हबू का किचन में आज हम अंडा दो प्याजा की रेसिपी बनाएंगे। ये बनाने में बहुत ही आसान है और ये बहुत ही सिंपल घर के मसालों से बनकर रेडी होती है। खाने में मजेदार और बहुत ही ज्यादा टेस्टी चटपटी अंडा दो प्याजा की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। अंडा दो प्याजा बनाने के लिए कढ़ाई में 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गरम हो जाए इसके बाद हम इसमें 2 मीडियम साइज की प्याज ऐड करेंगे। अब प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और प्याज को सॉफ्ट कर लेंगे। तो देखिए प्याज सॉफ्ट हो गई है और इस पर लाइट पिंक कलर भी आ गया है। तो अब हम इसमें 1 हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कर ले, ज्यादा तीखा पसंद हो तो 2 से 3 हरी मिर्च ऐड कर ले। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर ऐड करेंगे। अब टमाटर को हम प्याज के साथ मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और टमाटर को सॉफ्ट कर लेंगे। टमाटर सॉफ्ट हो जाए इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अब हम सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भूनेंगे। तो मसाले को अच्छी तरह से भून लेने के बाद अब हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें 1 उबाल आने देंगे। 1 उबाल आ जाए इसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। इसके बाद इसे मिक्सी जार में निकालकर बारीक पीस लेंगे। अब कढ़ाई में 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी हल्दी ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 6 बॉईल किए हुए अंडे ऐड करेंगे। अब हम अंडे को मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अंडे को फ्राई कर लेने के बाद अब हम इसमें 1 चुटकी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इसे फिर से मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। तो देखिए अंडे को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और अब हम इसे 1 प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में 1/2 छोटा चम्मच जीरा और 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे और इसे 8 से 10 सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन की पेस्ट को फ्राई कर लेने के बाद हमने जो टमाटर और प्याज की पेस्ट बनाकर रेडी की थी उसे ऐड करेंगे। पेस्ट ऐड करके हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनेंगे और इसे ड्राई कर लेंगे। तो देखिए पेस्ट को हमने अच्छी तरह से भूनकर ड्राई कर लिया है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो अब हम इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच दही ऐड करेंगे। दही ऐड करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे 8 से 10 सेकंड के लिए या फिर 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। मसाले को अच्छी तरह से भून लेने के बाद 1/2 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, 1 चुटकी गरम मसाला और फ्राई किए हुए अंडे ऐड करेंगे। अब हम अंडे को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके हम इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए कुक करने रखेंगे और तब तक के हम एक तड़का रेडी करते हैं। तो इसके लिए फ्राई पैन में 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गरम हो जाए इसके बाद हम इसमें 1 मीडियम साइज की प्याज ऐड करेंगे जिसे हमने स्क्वायर पीस में कट कर लिया है। अब प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। प्याज को फ्राई करने के बाद कैप्सिकम ऐड करेंगे। 1 छोटी साइज के कैप्सिकम को स्क्वायर पीस में कट कर लिया है। 1 छोटी साइज का टमाटर बीज निकालकर इसे भी स्क्वायर पीस में कट कर लिया है। अब हम टमाटर और कैप्सिकम को प्याज के साथ मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। वेजिटेबल्स को फ्राई करके रेडी कर लेंगे। अब 3 से 4 मिनट हो गए हैं ग्रेवी को कुक करते हुए। तो देखिए ग्रेवी अच्छी तरह से कुक हो गई है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है।
अब आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर ले। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और फ्राई किए हुए वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर एक मिनट के लिए कुक करेंगे। एक मिनट कुक करने के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे सर्व करेंगे। रोटी, चावल, पराठा, नान या तंदूरी रोटी किसी के भी साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आपको अंडा दो प्याजा की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।